अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम ये डिस्कस करें कि जो जो एसेंस है यानी जो कोर चीज है जो किसी भी ऑनलाइन स्टोर को रन कर रही होती है यानी एक तो प्रोडक्ट्स हो गए हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी देख ली अब हमने देखना है कि एक्चुअली अगर मैं लेट सपोज एज अ यूजर किसी वेबसाइट पे जाता हूं या ऑनलाइन स्टोर पे जाता हूं चीज खरीदने के लिए तो वहां पे शॉपिंग कार्ट मौजूद होगा शॉपिंग कार्ट आसान लफ्ज़ों में लेट सपोज़ मैं अगर किसी फिज़िकल स्टोर में जाता हूँ और मैंने अगर चीज़ें ख़रीदनी तो मेरे पास एक बास्केट होगी उस बास्केट में मैं चीज़ें ख़रीद के डालना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही मैं शॉपिंग खत्म करता हूँ मैं काउंटर पे जाता हूँ और मैं वो शॉपिंग कार्ट या बास्केट काउंटर पे रख देता हूँ और वो फिर मेरा बिल कर देते हैं तो ये शॉपिंग कार्ट बिल्कुल वैसे ही वर्चुअली ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद होती है रीजन कि जैसे जैसे मैं चीज़ ख़रीदता जा रहा हूँ मैं एक्चुअली शॉपिंग कार्ड में चीज ऐड करता जा रहा हूँ तो शॉपिंग कार्ट इज एक्चुअली द कोर बिहाइंड रनिंग शॉपिंग दैट्स वन थिंग द अदर थिंग इज़ जब हम ये कहते हैं कि शॉपिंग कार्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए एक तो पहली चीज के शॉपिंग कार्ड मौजूद होना चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया बड़ा आसान सा है अभी हम इसका डेमो भी करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा रिलायबल शॉपिंग कार्ड से मुराद प्राइमरली दो चीजें होती है इज़ एक्चुअली ट्रांसलेटेड इन टू द फीचर सेट फीचर सेट मुराद सबसे पहली चीज कि लेट सपोज मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं तो जितने की मैं चीज खरीद रहा हूं और जितनी खरीद रहा हूं यानी लेट सपोज अगर मैंने चार स्पोर्ट्स वॉच खरीद दी हैं और हर स्पॉर्ट वॉच की कीमत थी लेट सपोज़ दो हज़ार रुपये तो चार की जो प्राइस है वो आठ हज़ार है और अगर मैं इसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो जो बिल है जो प्राइस कैलकुलेट हो रही है दिस शुड बी एक्यूरेट एक जो प्रोडक्ट के लिए तो चलो इट मेक सेंस के बंदा खुद भी मैनुअली देख लेता है बट वेन यू आर ऑर्डरिंग बल्क जब आप ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे होते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे होते हैं तो यू नीड अ रिलायबल या यू नीड अ एक्यूरेट अ प्राइस कैलकुलेटर विच इज अ पार्ट ऑफ शॉपिंग कार्ट यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़ सपोज मैंने कहा कि जी पचास मैंने मोबाइल फोन खरीदे फोर्टी मैंने फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वॉच खरीदी और हर एक की डिफरेंट प्राइस थी तो जब मैंने मैनुअल बिल करके देखा वो कुछ और था जो शॉपिंग कार्ट दिखा रहा था वो कुछ और था ये देखने में बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन इससे बहुत ज्यादा चांस है कि यूजर का ट्रस्ट शेक होगा तो जो प्राइस कैलकुलेशन है दिस टू बी एक्यूरेट ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी फिजिकल स्टोर में जाएं और आपका जो काउंटर पे बिल जनरेट कर रहा है बंदा या बंदी वो गलत कर दे बिल्कुल वैसे ही है तो आप बहुत ज़्यादा चाहे कि आप दोबारा नहीं जाएंगे या यू विल गेट के मतलब कोई यहां पे सही काम नहीं हो रहा तो बिल्कुल वैसे ही है यहां पे फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे आप किसी से बात नहीं कर रहे तो उसका रिस्क ज्यादा है कि यूजर का जो ट्रस्ट है वो लूज होगा तो दैट्स वन थिंग सेकेंड थिंग इज के जैसे फिजिकल शॉप में होता कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज खरीदी और मैंने शॉपिंग की फिर मैंने मुझे याद है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वान्टिटी ज्यादा खरीद ली है तो आई कैन आई कैन पुल बैक यानी मैं शॉपिंग कार्ट से या बास्केट से के अंदर से चीज़ निकाल के वापस भी रख सकता हूँ कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में भी मैं चीज़ें ऐड भी कर सकूँ रिमूव भी कर सकूँ यानी बाय निकाल के भी रख सकूँ तीसरी चीज़ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल फिजिकल शॉपिंग कार्ट में लेट सपोज मैंने चार बुक्स खरीद ली बाद में मुझे याद है कि ये चार नहीं थी इसी तरह की छः थी तो मैंने दो और परचेज की मैंने क्वांटिटी अपडेट कर दी बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में मैंने अगर कोई चीज़ खरीद ली है तो मैं उसकी क्वांटिटी भी अपडेट कर सकूं लेकिन जो इड एड डिलीशन का और अपडेट करने का प्रोसेस है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए कंसिस्टेंट से मुरादी होती है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं एक तो वो सही हो नंबर वन नंबर टू क्वान्टिटी इज़ ना कि गड़बड़ हो जाए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑलरेडी मौजूद थी चार मैंने दो को डिलीट किया और एक को ऐड किया तो फोर में से टू को डिलीट किया हो गया टू और एक को ऐड किया हो गई तीन तो एक्चुअल क्वांटिटी तीन होनी चाहिए मतलब तीन दिखानी चाहिए उसे मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे क्वांटिटी थ्री के अलावा कुछ और दिखा रहा है क्योंकि इट ऑल यू नो यही वो कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे शॉपिंग कार्ट आपका अट्रस uh, लूज uh, या गेन करता है दैट्स वन कोर फीचर सेकेंड कोर फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन शॉपिंग में ऑनलाइन के वर्ल्ड पे जरा गौर करें मैं क्यों ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं एक तो क्योंकि मुझे शॉप पे नहीं जाना पड़ रहा दूसरा जो पेमेंट है वो मैं ऑनलाइन कर सकूं अब पेमेंट के अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो मेजर जो पेमेंट का मैकेनिज्म है दैट इज अ कैश ऑन डिलीवरी मेजर जो मेकेनिज्म है यानी मैंने चीज़ ऑर्डर की मेरे पास जब वो चीज घर में रिसीव हो जाती है उसके बाद मैं उसको वेरीफाई करने के बाद उसके पैसे देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी यानी रिसीव करने के बाद मैं उसके पैसे पे करता हूँ इसके अलावा जो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ यानी ऐसा कतन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की ही आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड का पाकिस्तान में अभी इशू ये है कि लोगों का अभी ट्रस्ट गेन हो रहा है यानी ट्रस्ट दो एस्पेक्ट में एक कि मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग कि मैंने जो ऑर्डर किया था हो सकता है मुझे वो ना मिले क्वांटिटी वो ना मिले मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी वो ना मिले यानी जो मुझे पिक्चर दिखाई गई है प्रोडक्ट की वो कुछ और है और जो मुझे रिसीव हो रहा है वो कुछ और है तो इस वजह से लोग अप फ्रंट यानी पहले पैसे नहीं देते बाद में रिसीव करने के बाद पैसे देते हैं तो क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो ई e कॉमर्स की इंडस्ट्री है वो भी अभी इनफेंसी स्टेज में यानी अभी नहीं नहीं है तो इट विल टेक टाइम तो इसकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन इसका मतलब कथन ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का फीचर अनेबल नहीं होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए अमूमन वेबसाइट्स पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम आई क्रेडिट कार्ड होल्डर और मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहता हूँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर तो जितने मेजर क्रेडिट कार्ड वो आपका ऑनलाइन स्टोर सपोर्ट करता है वो आपके अमूमन फुटर में आ रहे होते हैं ताकि आपको ये पता लग जाता है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट्स आ, आ, वाया क्रेडिट कार्ड इस आ, इस वेबसाइट के थ्रू अनेबल हो भी सकती है या नहीं हो सकती सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो जहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट काम करता कैसे है और आ, अगर आपने ये देखना है किसी वेबसाइट के ऊपर कि कौन कौन सी आपके क्रेडिट कार्ड आ, सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन तो हाउ टू फाइंड दैट सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है इसके आप बॉटम में जाए तो अमूमन ये जो आपको बॉटम में नज़र आ रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस वीज़ा मास्टर कार्ड और इज़ डिस्क ओवर तो ये चार क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इस वेबसाइट पे सपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पेमेंट सो अमूमन जो आपका फुटर होता है यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फुटर के इस वेबसाइट पे कौन कौन से क्रेडिट कार्ड सपोर्टेड है सो so, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेजॉन के ऊपर अब हम जरा ये एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करके देखते हैं शॉपिंग कार्ट का सो लेट्स लॉग इन देयर सो मैं अब Amazon पे यहां पे लॉग इन हुआ हुआ हूं सो लेट्स सपोज मैं कोई चीज ऑर्डर करता हूं लेट सपोज ये बुक है डिज़ाइन पैटर्न एलिमेंट ऑफ री यूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल एड टू कार्ड किया जब एड टू तो कार्ट करेंगे तो दिस थिंग दिस इज हाउ इट विल शो अप अब लेट सपोज मैं अपना कार्ड देखना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे करंट कार्ड में चीज़ें आ रही हैं अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आई शुड बी या शॉपिंग कार्ट शुड अनेबल मी टू प्ले अराउंड विद दिस क्वान्टिटी नंबर वन नंबर टू अब वो कह रहे कि जी ओनली वन सेलर इज अवेलेबल एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्वांटिटी के साथ प्ले डाउन कर सकूं। अगर स्टॉक में मौजूद नहीं है उसने मुझे रोक दिया है लेट सपोज मैं इसकी क्वांटिटी दो करता हूं। तो नाउ इट इज़ टू और उसके हिसाब से मैं इसको डिलीट भी कर सकूं। तो डिलीट एड अपडेट की मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए नंबर वन नंबर टू लेट सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट जैसे ही मैं प्रोसीडूर चेकआउट किया तो उसने मुझे अब कहा लॉग इन करें मैंने लॉग इन पर क्लिक किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी एड्रेस क्या रखना है डिलीवर का तो लेट सपोज मैंने ये कर दिया उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जी देर वॉज अ प्रॉब्लम विद सम लेकिन अमूमन ये कह रहे कि जी ये जो आपका ये जो आपकी चीज़ मौजूद है ये पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते बिल्कुल एट टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ हर कंट्री में अमेजॉन वाले या जो भी आपका ऑनलाइन स्टोर है वो अवेलेबल नहीं होती फॉर शिपिंग पर्पजेज़ दिस इज़ वन क्लासिक एग्ज़ाम्पल सो दिस डज़ नाट मीन कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है यू कैन प्ले डाउन विद इट। ये सारी आपको डेमो करने का मकसद ये था कि जो हम रिलायबल शॉपिंग कार्ट की बात कर रहे थे ना वो एड अपडेट डिलीट और लेट सपोज यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसको मैं डिलीट कर दिया सुनाओ so स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले कोई चीज़ सर्च करता हूँ लेट सपोज़ मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कोई फॉर एग्जांपल बुक सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बुक मैंने सर्च की और उसके बाद मेरे पास ये कुछ बुकलेट्स आ गई मैंने फॉर एग्जांपल ये बुक पे क्लिक किया और मैंने उसके बाद एड टू कार्ट किया अब यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर क्वान्टिटी भी आ रही है विच आई कैन चेंज लेट सपोज मैं इसको दो करता हूँ और मैं ऐड टू कार्ड कर देता हूँ जैसे ही मैं ऐड टू कार्ड करूँगा लुक एट दिस थिंग ये मैं एक्चुअली आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो जो टोटल है वो यहाँ पे सही कैलकुलेट होना चाहिए ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो अब मैं मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट जैसे ही मैंने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक किया तो ये मैंने एड्रेस ऑब्वियसली पहले दिया हुआ है मैं डिलीवर टू दिस एड्रेस करता हूँ तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस आ रही हैं मैं कंटिन्यू करता हूँ जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली वो ये थी कि द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंटिन्यू तो अब ये देखें एड अ पेमेंट मैथड तो जस्ट टू चेक के अमेजोन पे क्या क्या या कौन कौन से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल हैं जस्ट सी हेयर यहाँ पे वीजा है मास्टर है डिस्कवर है यूसीबी है अमेरिकन एक्सप्रेस है तो देर आर अराउंड सेवन वर्सेस जो हमने इससे पहले देखा था चोकोमीस वहां सिर्फ चार था तो उसका मतलब है ऑब्वियसली अमेजोन इज अ बिग ब्रांड तो अमेजोन के ऊपर जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो पेमेंट करने के तरीके मौजूद हैं वो रिलेटिवली ज्यादा हैं वर्सेस अदर वेबसाइट सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट यानी जब हम ये कह रहे हैं कि रिलायबल शॉपिंग कार्ट है तो यू नीड टू सी दीज फीचर्स इन टू योर ऑन शॉपिंग कार्ट जब आप खुद अपना शॉपिंग कार्ट बनाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर आप ओपन करेंगे तो यू हैव टू लुक फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो अदरवाइज दे विल बी अ चांस के यूजर का ट्रस्ट शेक हो